वैसे तो इस टॉपिक पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और आपको पता भी है, पर लेकिन बार बार बताने का जो मतलब होता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है। सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, गाइस मेरी वाइफ को अभी 5 सितंबर से 7वां महीना स्टार्ट इनका हो चुका है, तो अभी 7वां स्टार्ट हुआ है, फिर 8वां और 9वां, मतलब कि हम समथिंग 2-3 महीने लेकर चल सकते हैं कि तुम्हारी भाभी की डिलीवरी फिर से होने वाली है 3 महीने के बाद। तो बहुत सारे लेडीज़ पूछती हैं कि राहुल भैया मैडम ने पहली बार तो दवाई खाई थी, सभी को पता है कि इन्होंने पहली बार मेडिसिन ली थी प्रेग्नेंट होने के लिए, जो एक दादी माँ है वो बनाती हैं। पहले तो इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में एक दादी माँ रहती हैं जो कि देसी जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करती हैं। स्किन पर नंबर है, किसी भी लेडीज़ को कोई समस्या हो रही है प्रेग्नेंट होने में तो ज़्यादा हिचकिचाओ मत, फ़ोन नंबर को ऐड करो फ़ोन में, तुरंत अभी कॉल लगाओ और देखो मैसेज भी आ रहे लोगों के, तो तुरंत कॉल लगाओ मैसेज लगाओ, अपने बारे में जानकारी दो, अपनी समस्याओं को बताओ, आप भी प्रेग्नेंट हो जाओगी जैसे कि मेरी वाइफ हुई थी। वैसे तो पहली प्रेगनेंसी की बात करें तो हमें इतना घूमना पड़ा, डॉक्टर की दवाइयाँ और चेकअप इतने भारी पड़े, क्योंकि नॉर्मल फैमिली से भाई आपकी तरह करोड़पति थोड़ी हैं, तो हमें तो सारी चीज़ें देख के चलनी है, तो बहुत चीज़ें खाई, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलने के कारण हमने लास्ट में एक दादी माँ है उनका ट्राई कर लिया बस ऐसे फालतू में, और उसे ट्राई करने के बाद सिर्फ 1 मंथ लगा था, उन्होंने गारंटी दी थी हमें लिख के कि 1 मंथ में प्रेगनेंसी पक्की, तो वो इस्तेमाल की और उसके बाद तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट हो गई, और उसके बाद पहला बच्चा हुआ हमारा सी सेक्शन से, और अभी दूसरा बच्चा, क्योंकि एक डॉक्टर ने हमें सलाह दी थी जब ये हुआ था जो ऑपरेशन हुआ था मैडम का, कि जितना जल्दी हो सकता है आप दूसरा बेबी तैयार करो, क्योंकि अब आगे से जो आने वाला टाइम है उसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो दवाई खाएं, गोली खाएं, तो जब ही तो नहीं हो सकता बच्चा, नहीं तो दिक्कत आ जाती जब हम दवाई गोली खाते हैं। तो अभी सीन ये है कि एक लेडीज और 2-3 लेडीज और भी हैं जो पूछती हैं कि राहुल भैया हमने पहली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली लेकिन दूसरी हो ही नहीं रही, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, उनको एक लड़की होकर ही रह गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस दवाई का इस्तेमाल कीजिए, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी करो, है तो भी करो, बाकी स्क्रीन पर नंबर है आप इस पर कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। देखो यार हमारा तो काम है आपको राय देने का, लेकिन जब लोग व्हाट्सएप पर आकर बेकार की बातें करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं कि आप झूठे हो, नकली हो, फ्रॉड हो, आप स्कैम वर्क ले जाते हो, पैसे नहीं देते, कुछ लोग तो यहाँ तक भी आ जाते हैं कि लोग नीचे भी कमेंट कर देते हैं कि हमने पैसा दिया दवाई नहीं भेजा, कर देते हैं। अब देखो जो लोग ऐसा करते हैं वो ठीक है, हम कहते हैं वो अच्छे लोग हैं, लेकिन यार ये भी तो सोचो कि आप बोल क्या रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो यार, जब उनको चोट लगेगी जब पता पड़ेगी। तो फाइनली देखो जिनको अभी जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग, उन सभी को पता होगा कि अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो उसकी दवाई जरूर पहुंचेगी 100%, अगर दवाई उनकी नहीं पहुंची है तो उनके पैसे रिटर्न हुए होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है कि आपने दवाई मंगवाई और आपने पैसे दिए और आपकी दवाई नहीं मिली तो आप नीचे कमेंट कर देना, बाकी हमारी नज़रों में ऐसा कोई नहीं है जिसको पैसे जिसने हमें दिए और हमने उसके लिए मेडिसिन नहीं पहुंचाई। सो गाइस अभी चलते हैं क्योंकि इतना ही टाइम है गाइस, अभी हमें भी नहा धोना है, नहा धो के खाना वाना खाते हैं क्योंकि टाइम हो गया बहुत लेट, और ये वीडियो बना रहे हैं हम अभी समथिंग 4 बज रहे हैं अभी शाम के, और शाम के 4 बजने में कुछ ही मिनट है तो इस वीडियो को आने में शायद थोड़ी सी देरी हो जाएगी।